नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक है। मेरी इस वीडियो में या फिर से मैं फ्री कुंडली रीडिंग लेके आया हूँ। ये 5th ऑफ जुलाई वाली जो एक रह गई थी कुंडली, उसकी रीडिंग है। मैं बहुत दिनों से कर नहीं पा रहा था, तो कोशिश किया कि आज कर दूँ, तो आज करने बैठा हूँ तो करता हूँ। शुरू करने से पहले ये बोलूँगा जी कि जो जो लोग आप भी 15th ऑफ जुलाई तक जिन्होंने मुझे डिटेल प्रोवाइड किया है, उनकी कुंडली अभी सिलेक्शन प्रोसेस पे है। मैं सिलेक्ट करूँगा उनमें से चार पाँच तीन चार कुंडलियाँ सिलेक्ट करूँगा, तो वो धीरे धीरे रीड आउट करूँगा मैं उसको। 30 जुलाई तक मैं उसका मतलब उससे पहले पहले 15 जुलाई के बाद मैं शुरू कर दूंगा उसकी रीडिंग। तो आप लोगों को जिनकी कुंडली सिलेक्ट हो जाएगी उनको वो रीडिंग मिल जाएगी, उनके दो सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 3 4 दिन का और वेट करना पड़ेगा आपको। बाकी लोग जो नया भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, उनको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है या फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करानी है, तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने नंबर दिया है उस नंबर पे अपना व्हाट्सएप, अपने डिटेल, पर्सनल डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को। अगर आपको फ्री कुंडली रीडिंग करवानी है या पर्सनल रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग यूट्यूब पे अपडेट नहीं होती है, वो चार्जेबल होती है और उसमें आपका ओवरऑल डिटेल के बारे में, आपके आपके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन होती है और उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। बाकी ये है जो फ्री कुंडली रीडिंग है, उसमें आपके दो सवालों के जवाब दिए जाते हैं, और वो सवालों के जवाब जब आपकी कुंडली आप मेरे को पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना नाम, वो अगर आप मुझे भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, उसके बाद वो मैं सिलेक्शन प्रोसेस में डाल देता हूँ। सिलेक्शन के बाद जो कुंडली मुझे पसंद आती है या मुझे सही लगती है, उसकी मैं रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ। और वो आप अभी 30 जुलाई तक के 30 जुलाई के बाद मैं उसकी रीडिंग प्रोवाइड करूँगा या 30 जुलाई को प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोगों में जिसको अपनी रीडिंग करवानी है, फ्री कुंडली रीडिंग करानी है, वो 30 जुलाई से पहले पहले अपनी कुंडली रीडिंग भेज दें और अपने कुंडली के डिटेल्स भेज दें। मैं कुंडली रीडिंग करने की कोशिश करूँगा आफ्टर 30 ऑफ जुलाई फ्री कुंडली रीडिंग आपकी करूँगा। जिन लोगों की अभी रीडिंग नहीं हो पाएगी, जिन्होंने 15 जुलाई पे भी रिपीट नहीं डाला है और अभी 5th ऑफ जुलाई तक उनकी जिनकी रीडिंग नहीं हो पाई है, वो रिपीट लिख के 30th ऑफ जुलाई लिख दीजिए। 30th ऑफ जुलाई के बाद आपकी रीडिंग होगी। जिन्होंने रिपीट लिख के 15 जुलाई लिखा है, तो उनमें से कुछ कुंडलियाँ मैंने सेलेक्ट करी हैं, तो उनकी कुंडलियाँ मैं रीड कर दूंगा। फिर कोशिश करूंगा उनमें से भी एक कुछ कुंडलियाँ रीड करने की, तो वो कुंडलियाँ भी रीड कर दूंगा 15th ऑफ जुलाई के बाद। शुरू कर दूंगा मैं वो प्रोसेस भी। बहरहाल अभी ये जो कुंडली है, उस कुंडली की रीडिंग कर लेते हैं और उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कुंडली रजत जी की है। रजत जी अभी क्या बोलते हैं, 25+ ईयर्स के हैं, 25 साल के हैं रजत जी अभी। और इनके दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं होगी, और दूसरा सवाल है मीनिंग ऑफ लाइफ, पर द पर्पस एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, और उनके उनके पर्सनल लाइफ कैसी, उनके अपनी लाइफ में क्या होना चाहिए, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। रजत जी की अभी महादशा चल रही है राहु की, और 2025 तक चलेगी। उसके बाद गुरु की महादशा चलेगी, 2041 तक चलेगी, और अंतरदशा चलेगी। अभी सूर्य की चल रही थी, मून की सूर्य की चल रही थी 22 तक अगस्त के, फिर मून की अभी चल रही है 2024 तक चलेगी, ये फेवरी तक के महीने में, फेवरी से पहले जनवरी तक चलेगी, फेवरी में तो ख़त्म ही हो जाएगी, फिर मार्च की चलेगी, मंगल की चलेगी 2025 तक। रजत जी आपने दो ही सवाल पूछे हैं, तो मैं दो ही सवालों के जवाब मतलब दो ही सवालों के जवाब मैं देता हूँ। तो दो ही सवाल पूछते हैं लोग मेरे को फ्री कुंडली चार्ट में, तो मैं ये इस कुंडली के बारे में पहले जॉब और मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में जो आप पूछे हैं, तो उसके बारे में। ये कुंडली सिलेक्ट करने का रीज़न भी ये था जी कि आपका दूसरा सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उस सवाल के जवाब के लिए मैंने आपसे जवाब के देने के लिए लोगों को, हो सके जो वीडियो देखते हैं उनको अगर समझ में आए, उसके लिए मैंने ये कुंडली सिलेक्ट करी है। इस कुंडली को मैं और कुंडली रीड नहीं करना चाह रहा था, बट इस कुंडली को मुझे रीड करना मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। और जब मैंने कुंडली खोली, तो मुझे कुंडली खोलने के बाद फिर तो मुझे लगा जी कि इसको रीड करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है मेरे लिए। चलिए ठीक है। रजत जी आपकी महादशा चल रही है राहु की, और ये रहा राहु बैठा हुआ, छठे घर में राहु बैठा है, और अंतरदशा चल रही है मून की, सातवें घर में मून बैठा है, और इसके बाद अंतरदशा चलेगी मंगल की 25 तक, उसके बाद महादशा चलेगी आपकी जुपिटर की, यहाँ बैठा है जुपिटर। जुपिटर 12वें घर में बैठा है, केतु के साथ बैठा है, केतु और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं रजत जी। उसका रीज़न ये है कि राहु छठे घर में बैठा है, छठे घर में बैठा हुआ राहु
जो नेगेटिव हाउसेज में अगर राहु बैठता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। और जो फिफ्थ हाउस का ओनर है सन, वो खुद जाके लगन में जाके बैठा है, तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब आप किस पर्पस पे ट्राई कर रहे हैं, मुझे वो जानना ज़रूरी था। वो मैंने कुंडली उस टाइम पे देखी नहीं थी तो मैंने पूछा नहीं। बहरहाल अगर आप मेडिकल लाइन पे या सर्विस लाइन पे अगर कर रहे हैं, रिसर्च लाइन पे कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा गवर्नमेंट जॉब। आप सर्च कर सकते हैं, इस टाइम पे आप अच्छा खासा इस टाइम पे आप कर पाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। और मून की अंतरदशा चल रही है, हो सकता है जी कि दूसरे फील्ड में डालने की कोशिश की जाए। एजुकेशन फील्ड में भी अगर आप करना चाहते हैं, अगर कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, तो अभी हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन आपकी मोस्टली चांसेस ये हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपको रिसर्च में और मेडिकल लाइन पे करें, या सर्विस सेक्टर में कोई ढूंढे, जैसे IPS IAS का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेडिकल लाइन से कर रहे हैं, या उसमें ऐसी कुछ भी काम करें गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। और उसमें मोस्ट प्रोबेबली अगर बेटर रहेगा कि अगर मेडिकल में रिसर्च में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी आपकी जो आपका जो लगने वर्किंग लॉट है, जो 10th हाउस का ओनर है, जहाँ पे 9 नंबर लिखा, वो जुपिटर है। और जुपिटर के साथ यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है जी कि वो केतु के साथ बैठा है। यहाँ केतु है, केतु के साथ बैठा हुआ है जुपिटर। केतु के साथ बैठने के कारण आपका जो ये पर्पस ऑफ लाइफ, आपने जो मुझसे पूछा ना, ये सवाल आ गया आपके दिमाग में। और ये जो पर्पस ऑफ लाइफ आपके जब सवाल आप दिमाग में आ गया है, तो ये आपको खटकता रहेगा कहीं ना कहीं ज़िंदगी में। और जब तक आप इसको फुलफिल नहीं कर लेते, तब तक ये खटकता रहेगा। अब खटक क्यों रहा है, ये इसलिए खटक रहा है क्योंकि यहाँ पे जॉब का जो ओनर है वो 12वें घर में जाके बैठा है। 12वां घर जो है, 12th हाउस जो है, वो क्या बोलते हैं अपने, निर्वाणा का हाउस है, इनलाइटनमेंट का हाउस है, एक्सपेंसेस का हाउस, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस और एंड का हाउस है। अगर लग्नेश आपका जो लग्नेश है 12वां 12th 12 नंबर लिखा है, तो जुपिटर आपका लग्नेश भी और 12वें घर में जाके बैठा है। अगर 12वें घर में जाके आपका लग्नेश बैठा और आपका वर्किंग लॉर्ड बैठा और केतु के साथ बैठा है, तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू में आइसोलेशन में डालेगा, आइसोलेशन पे डालेगा। दूसरा प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लम। दूसरा आपके साथ है जी कि आपको स्पिरिचुअलिटी पे डालेगा, भगवान और दार्शनिक हो जाएंगे आप काफ़ी ज़्यादा, भगवान से काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करना कोश कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे, और दार्शनिक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो जब आप मेच्योरिटी लेवल बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 2025 के बाद, मैंने यहाँ पे लिखा था 2025 के बाद आपका मंगल जब खत्म हो जाएगा, तो जुपिटर की महादशा चालू होगी, तो जुपिटर अपना असर दिखाना शुरू करेगा। हाँ, 2025 के बाद आप जब स्पिरिचुअल और दार्शनिक और आइसोलेटेड हो जाएंगे, उसके बाद आपको वापस वर्ल्ड में आने में प्रॉब्लम होगी, या वर्ल्ड में रहते हुए प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने बोला जी कि आपको कनेक्टिविटी तो दुनिया के साथ रखनी ही पड़ती है, चाहे आज के तारीख में कोई भी बाबा हो या कोई भी लोग हो, उसको कनेक्शन रखना पड़ता है। हालांकि मैं आपके लिए ये नहीं कह रहा जी कि आप सीधे कोई संत या कुछ हो जाइए। इसलिए मैंने आपको बोला जी कि आप मेडिकल लाइन पे अगर रहें, या आप रिसर्च लाइन पे हैं, या आप सर्विस सेक्टर पे हैं, तो उसमें डीप नॉलेज की रिसर्च करिए और मेहनत करिए। राहु की अभी महादशा चल रही है, तो जॉब गवर्नमेंट जॉब अगर करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम है जी कि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो शारीरिक दिक्कतें दे रहा है। शारीरिक अगर हेल्थ वाइज अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, या आप कंफ्यूज हैं, डिल्यूजनल है, अभी कंफ्यूज माइंड सेट प्रॉपर नहीं है, तो वो आपको राहु प्रॉपरली राहु राहु का वो असर है। लेकिन राहु इसके साइमल्टेनियसली आपको करेजियस और हिम्मत वाला भी बना रहा है। आपके दुश्मन भी बहुत सारे हो सकते हैं, या एनिमीज काफी हो सकते हैं, और कोर्ट केसेस भी चल सकता है, या कुछ मैटर होगा जो लीगल मैटर फंसा होगा, चाहे पेरेंटल हो या अपना हो या कुछ भी हो, या पर्सनल लाइफ में कहीं रिलेशनशिप को लेके भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही होंगी। हो सकता है उसमें आप कंफ्यूज हैं या परेशान हैं या कुछ चल रहा है, तो इसलिए आप अपने फोकस को रखिए अपने जॉब को लेके। लेकिन इन द एंड अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं, तो पीस की तरफ ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर और केतु का जो कंजंक्शन है और लग्नेश का जो कंजंक्शन है, तो आपको उसी फील्ड में डालने की कोशिश करा है जिस फील्ड में स्पिरिचुअलिटी, पीस और पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपको इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, मैं यही बोलूँगा जी कि अगर आपको कहीं भी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए होगा, तो वो सर्विस सेक्टर पे ही मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको मेडिकल सेक्टर पे मिलेगा, क्योंकि आप सर्विस करेंगे और आप लोगों को, आप
लोगों के साथ डील करेंगे, क्योंकि सन यहाँ पे बैठा हुआ है, आप अपनी भी हेल्थ को ग्रो कर पाएंगे। अगर आपके हेल्थ में कोई दिक्कत है, अगर आप दूसरों के हेल्थ को लेके आप कंसर्न रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, तो ये था मेरा आपके बारे में कुंडली चार्ट रीडिंग। ओवरऑल लाइफ मीनिंग के बारे में तो देखिए, सीधी सादी बात यही बोलूँगा रजत जी, कि आइसोलेशन इज़ अ प्रैक्टिकल सेंस, प्रैक्टिकल थिंग, बिकॉज हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी वो अकेला होता ही है। सवाल सिर्फ इतना है जी कि क्या वो जब अकेला होता है तब वो कितने टाइम के लिए होता है और किस हद तक होता है। तो अगर इंसान अकेलेपन को किस तरीके से लेता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कोई इंसान अपने अकेलेपन को एक सुसाइडल टेंडेंसी या काफ़ी नेगेटिव टेंडेंसीज पे ले लेते हैं, जो कि मैं नहीं समझता जी कि हमेशा ठीक है। बट हाँ, अगर आप अकेले होते हैं या आइसोलेट होते हैं कहीं पे भी, तो आप वहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, योगा करने की कोशिश करिए, या आप कुछ और स्पिरिचुअल चीज़ें करने की कोशिश करिए, ताकि आपको उससे स्ट्रेंथ मिले, और जब आपको स्ट्रेंथ मिले तो आप उसके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में उसमें आपको आसानी होए। और नेगेटिविटी से कभी भी किसी का अच्छा होता नहीं है, क्योंकि देखिए खाली वही वाला पॉइंट है जी कि आप यू आर ऑलवेज अलोन एनी टाइम। सो इवन कभी कभी कई लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं, सो इट्स ओके, चलेगा। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि उसको पॉजिटिव सेंस में लेना है, नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। और कभी लाइफ में हो सकता है जी कि कुछ चीज़ें आपको ऐसा फील करवा दें कि, या लोगों को ऐसे फील करवा दें कि वो देखे जी उनके साथ ही बुरा हो रहा है, अच्छा क्या दूसरों के साथ अच्छा होता है, हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये लेके चलना है जी कि आपको अभी भी कुछ चीज़ें सीखनी है और आपको आगे कुछ बड़ा मिलने वाला है, तो इसलिए आपके साथ अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। तो ये था मेरी रीडिंग आपके लिए रजत जी, होप आपको पसंद आई हो। और दूसरों को भी यही बोलूँगा जी कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, अकेलेपन से लड़ने की कोशिश करिए, आइसोलेशन से लड़ने की कोशिश करिए। अगर आज आपके साथ कोई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई ना हो या कुछ हो, तो उस टाइम पे पॉजिटिव रहना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टेक केयर।